गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप लोग का अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें जीएस और करंट अफेयर के रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली 24 अक्टूबर तक के लिए ये सीरीज मैंने रखी हुई है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक लाकर उसको रिवीजन करते हैं जो कि जीएस से होते हैं, और बीच बीच में करंट अफेयर के सेशंस भी आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि 24 अक्टूबर का एग्जाम जो है, और ये खासतौर से सिर्फ 24 अक्टूबर के लिए तो ही है, लेकिन 5 दिसंबर जिनका आरओ है और अन्य परीक्षाओं भी लाभान्वित इससे पूरी तरीके से हो सकते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में, उसके सेक्शन यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर का सेशन आप लोग के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन जीएस पेपर 2। अन अकेडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PH10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अन अकेडमी ऐप पर कैसे आना, सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगी, उनको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PH10 है, इसको डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेस, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्टडी सेशन मास्टर क्लासेस आपको उपलब्ध होते हैं, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं, यहाँ पर पीडीएफ मटेरियल फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। 1 से लेकर 25 तक के रैंक के बच्चे जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन का। एक बहुत शानदार लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने के कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको। और डुअल एजुकेटर सेशन 15 अक्टूबर का आयोजित कराया गया था, इसी के साथ 18, 19, 20 तारीख को आपको जो है सफलता नामक सीरीज जो है फ्री मिनी पीवाई के सीरीज जो है उपलब्ध है। बैच कोर्सेज की बात करें तो 7 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक बैच संचालित हो रहा है, 15 अक्टूबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक नया बैच बन रहा है उन्नत नामक, और 22 अक्टूबर से ही यूपीपीसीएस के आरओ के लिए भी एक नया बैच जो है संचालित किया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण बैच होंगे आप सभी लोगों के लिए, आप लोग अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं इन बैचेस के साथ जुड़कर। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बी और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लेना होगा, तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, आप एक साथ कई चीजों की तैयारी भी कर सकते हैं। फीस की अगर बात करते हैं तो 24 महीने की जो फीस है मात्र 12,240 रुपए है, 510 रुपए महीने पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपए है, 701 रुपए मंथली पेमेंट के आधार पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने की जो फीस है 6,885 रुपए है, 1,148 रुपए मंथली ले सकते हैं। इसी क्रम में 3 महीने और 1 महीने की भी कोर्सेज उपलब्ध हैं, लेकिन रिकमेंडेड है 24 महीने या 12 महीने, क्योंकि इससे कम में ना तो कोई सिलेबस पूरा हो पाएगा आपका, और साथ साथ महंगा भी पड़ेगा इससे आप लेंगे नीचे का, तो ठीक है, तो कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल का तो आप ले। और इसमें 10% के डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड में मेरा कोड PH10 यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने करेंगे सेशन की शुरुआत, जीएस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, बिहार और यूपी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को भी आप ले सकते हैं, और इसमें आप 6 महीने 12 महीने के कोर्स को ले सकते हैं। इसके साथ आपको पता 67th BPSC का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, इसको भी आप क्या कहते हैं कि लेकर कर सकते हैं। बक्स बाउंटी कार्यक्रम के तहत आप जो है क्या नाम है, शिकायत किसी प्रकार की वीडियो पे कुछ इशू हो तो इसकी शिकायत अपन अकेडमी कर सकते हैं, उसकी शिकायत करने के बाद आप जो है अगर सही पाया जाए तो आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। स्पेशल सेशन मेरा मिलता है आपको डेली 9:30 बजे के MCQs की करेंगे शुरुआत, जिसमें चर्चा करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण MCQs की। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के रूप में ख्यात था, यानी कि विख्यात था? रफीउद्दुरज्जात और रफीउद्दौला, जहादार शाह, अहमद शाह, हुसैन अली, अब्दुल्ला हुसैन, जुल्फिकार अली या अब्दुल्ला? ठीक है नीता, आप बताएं कैसी हैं, बताएं। सैयद ब्रदर्स के नाम से कौन दो लोग प्रसिद्ध थे जो बेसिकली किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे? अंजलि रंजन ए, ओके। और कोई क्वेश्चन नंबर 1, नीता कुमारी ए।
आंसर है इसका आपका सी, हुसैन अली और अब्दुल्ला हुसैन। हुसैन ब्रदर्स के नाम से फेमस थे ये लोग, किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। व्याख्या देखते हैं आइए। पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1773-1720 ईस्वी तक का काल मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के वर्चस्व का था। इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात अब्दुल्ला खान उर्फ हसन अली एवं हुसैन अली हिंदुस्तानी दल के नेता थे। देखिए ये पूछता है किस दल के नेता थे, हिंदुस्तानी दल के नेता थे। इन्होंने फर्रुखसियर, रफीउरज्जात, रफीकुद्दौला और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया। ठीक, तो आंसर है आपका हुसैन अली और अब्दुल्ला हुसैन। इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा इसमें टेक्निकल एरर रहेगा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या जहांदार शाह? उत्तरोत्तर मुगल काल देख रहे हैं, जहां से आप आपकी शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, वही से है। कल ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और आज यहां पर इसको, इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग। बताएं नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ, क्वेश्चन नंबर थ्री। नीता कुमारी भी बता रही है। ओके ठीक है, उत्तर आंसर है आपका बी, मोहम्मद शाह। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। परवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में फारस के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह ने दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा। वापस जाते समय अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा और अपार धन संपदा जो है साथ लेकर गया था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर। पिछले वाले व्याख्या से निकल जाएगा इसका आंसर, बताएं क्वेश्चन नंबर फोर किस वर्ष आक्रमण नादिर शाह का हुआ था भारत पर। राम शरण स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फोर नादिर शाह का आक्रमण है भारत किस वर्ष हुआ था भाई भारत पर। फोर का नीता सी कह रही है, पिछले क्वेश्चन में था इसकी व्याख्या में, तो बिल्कुल सही आंसर है आंसर 1739 में। नादिर शाह ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था और फारस का शासक था। वह शाह तमसाय की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना। नादिर शाह भारत के प्रति अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। उसकी इच्छा भारत में धन को लूटने की थी। उसने 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में भारत पर आक्रमण किया। 24 फरवरी 1939 को करनाल के युद्ध संपन्न हुआ और इसमें मोहम्मद शाह जो था और निजामुल मुल्क के नेतृत्व में मुगल सेना ने क्या कहते भाग लिया और वो पराजित हुए। बस इसमें भाग लेने वाले लोग कौन कौन शामिल थे देख लीजिएगा, सादत खान, खान दौरान और नासिर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना ने छोटा सा युद्ध किया और हार गए। मुगलों की पराजय हुई। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता से मोहम्मद शाह और नादिर शाह में समझौता हुआ। नादिर शाह 2 करोड़ रुपए वापस लेकर लौटने पर राजी हो गया। 20 मार्च को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश किया और 22 मार्च को दिल्ली में दंगा हो गया। इसमें कुछ ईरानी सैनिक मारे गए जिससे युद्ध होकर नादिर शाह ने दिल्ली का भयंकर कत्लेआम कराया। इस प्रकार नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली में रुका और लूटता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा कथन गलत है। फर्रुखसियर ने 1717 के फरमान द्वारा अंग्रेजों को कहीं भी रहने की आज्ञा दी गई जहां वह रहना चुने। फर्रुखसियर ने के फरमान 1717 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपए के बदले बंगाल में शुल्क के बिना व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। फर्रुखसियर के 1717 के फरमान द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन प्राप्त करने की आज्ञा दी गई और फर्रुखसियर के 1717 के फरमान द्वारा अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों में किलेबंदी करने की आज्ञा दी गई। कौन से स्टेटमेंट गलत है पूछा जा रहा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5, ऑनलाइन स्टडी विद विकास यादव रोठा। ओके, किसका आंसर दे रहे हैं, बी पिछले वाले का। चलिए इसका बताएं क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए पांचवे का उत्तर है आपका डी, स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, मतलब उन्होंने फैक्ट्रियों को किलेबंदी की आज्ञा नहीं दी थी। ठीक है, हाँ नीता डी बिल्कुल ठीक है। आइए, मुगल बादशाह ने फर्रुखसियर को, वो तीनों स्टेटमेंट तो है ही है तो इसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस उसमें उन्होंने क्या किया था, ये नहीं कहा था कि आप किलेबंदी करेंगे यहीं पर। ठीक है, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहादार शाह या शाह आलम। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स का बी नीता करें, बिल्कुल ठीक है उत्तर, आंसर है आपका मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था, मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक राज किया इसने, इसका दूसरा नाम रोशन अख्तर था, वह बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी। इसके समय में सैयद बंधुओं का ही अंत हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि सैयद बंधुओं का अंत जो है इसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय में ही। अफजल खान का मूल नाम क्या था, अब्दुल्ला भतारी, शमशुद्दीन, साबर, मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर सेवन, अफजल खान का मूल नाम, नीता सी कह रही है, क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए आंसर है आपका ए, अब्दुल्ला पथारी। ठीक है, अफजल खान का मूल नाम अब्दुल्ला धारी था। ठीक, सामान्य सी बात, इसमें कुछ व्याख्या नहीं। बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वह बिना साम्राज्य के सम्राट था, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था, 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एक, नीता एट का ए बता रहे। देखिए आंसर है इसका बी। देखिए पहले, बहादुर शाह द्वितीय 1837 में गद्दी पर बैठा था, यह अंतिम मुगल बादशाह था, इसका उपनाम जफर था। सन 1857 की क्रांति के बाद इन्हें बंदी बना लिया गया था तथा रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उसने अपना शेष जीवन व्यतीत किया और 1862 ईस्वी में उसकी यहां पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1845 से जी 1837 सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सही है इनके बारे में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, कई बार आया हुआ सवाल एग्जाम में है ये।
देखिए, नाइन का उत्तर है आपका सी। अकबर दित्य ने जो है राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अपने दूत के रूप में, ठीक है, हनी दसी होगा। 1830 में राजा राम मोहन राय समकालीन मुगल बादशाह अकबर दित्य के राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करना था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर दित्य की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफीउद्दौला, रोशन अख्तर। आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आलमगीर द्वितीय की उपाधि में से किसने धारण की थी? नीता बता रही है बी। देखिए आंसर है इसका मानस 11 का, 11 का मानस तो 10 पे ही है। आई व्याख्या देखिए, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में जिस नए युग का आरंभ हुआ उसे उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे, जिसमें अहमद शाह गद्दी से उतरने के बाद जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर दित्य के नाम से गद्दी पर बैठा। आलमगीर दित्य का पुत्र अली गौहर शाह आलम दित्य के नाम से गद्दी पर बैठा। इसी प्रकार रफीउद्दौला मात्र 3 माह के लिए गद्दी पर बैठा। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका आलमगीर दित्य किसकी उपाधि थी? अजीजुद्दीन की, ठीक है, आंसर है आपका ए। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? क्वेश्चन नंबर 11। 11 का मानस डी बता रहे हैं। और कोई? नीता डी, ठीक है, बिल्कुल आंसर है, सही है। मोहम्मद शाह ने क्या किया था? सत्य पांडे। 11 का डी, बिल्कुल ठीक है। तो उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में उर्दू साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। उसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उर्दू भाषा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय में हुई थी। उस समय इसे हिंदवी के नाम से जाना जाता था। हाँ नीता डी, ठीक है। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके? आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर या औरंगजेब? किसके मरने के बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा? ट्वेल्व का डी मानस बता रहा है। नीता कुमारी बीडी बता रही है 12 का। आइए व्याख्या देखिए अच्छे से। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सिंहासन पर क्रमशः बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद रफीउद्दरजात, फिर रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर दित्य, शाह आलम दित्य और अकबर दित्य और बहादुर शाह जफर आसीन हुए। ठीक, तो इस क्रम में अगर देखेंगे तो किसकी मृत्यु के बाद जहांदार शाह बैठेगा? भाई बहादुर शाह। ठीक, आंसर क्या है? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। क्लियर, कोई बात नहीं, मानस जी हो जाता है कभी कभी। तो ये स्थिति है, इनका पूरा ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा।
जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फीकार खान की सहायता ली, जिसे बाद में वजीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया। अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। वजीर जुल्फीकार खान ने अपने एक चाटुकार शुभचंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खान ने लिखा था कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नृतकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल योग था। 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। धन्यवाद मिस क्लास एकेडमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहां जागीर संकट, संकट है ये संकट लिखा, जागीर संकट का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले इतिहासकार कौन थे? इरफान हबीब, जे एफ रिचर्ड्स, डब्ल्यू एच मॉरलैंड या सतीश चंद्र? मानस तेरे का डी। ओके मानस, और कोई क्वेश्चन नंबर 13? सत्य पांडे 13 का ए, सस क्लियर, डी नीता कुमारी डी। देखिए आंसर है इसका डी, सतीश चंद्र। ध्यान दीजिएगा, जागीर संकट का सिद्धांत किस इतिहासकार ने प्रतिपादित किया था? सतीश चंद्र ने। आई देखते हैं व्याख्या। 1959 में सतीश चंद्र की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, 1707 लेकिन 1740 में पहली बार मुगल साम्राज्य की संरचना के अध्ययन का गंभीर प्रयास किया गया। साम्राज्य की प्रकृति और इसके पतन को समझाने के लिए इसकी कार्य पद्धति और इसकी योजनाओं का परीक्षण किया गया। सतीश चंद्र ने साम्राज्य के कुछ प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने मुख्य रूप से मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था की छानबीन की। मुगल राज्य में कुलीन मुख्य राज्य अधिकारी थे और इन्हें पदानुक्रम व्यवस्था के तहत मनसब प्रदान की जाती थी। इन्हें भू राजस्व जागीर के नाम से वेतन दिया जाता था। अन्य जिम्मेदारियों के अलावा मनसबदारों को एक फौज भी रखनी पड़ती थी। सैनिकों को वेतन की व्यवस्था और फौज का रखरखाव की व्यवस्था इस जागीर की आमदनी से ही होती थी। सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब ने के शासन के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य मनसबदार जागीरदार व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ। जैसे ही ये व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही क्या हुआ, साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। तो जागीरदारी संकट इसी को कहा इन्होंने, और यह इसका प्रतिपादन किया था सतीश चंद्र ने। 18वीं शताब्दी का वो कौन हिंदू शासक था जिसने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? पेशवा बाजीराव प्रथम, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के राणा जगत सिंह या आमेर के सवाई जय सिंह? ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्टीन का मानस डी। ओके चलिए, तो बिल्कुल ठीक है उत्तर, सच क्लियर डी, नीता कुमारी डी, बिल्कुल ठीक है। आमेर के सवाई जयसिंह ने क्या करवाया था? दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। व्याख्या देखते हैं। सवाई जयसिंह आमेर के कछवाहा नरेश तथा जयपुर नगर के संस्थापक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर नगर के संस्थापक कौन है, ध्यान दीजिएगा जयसिंह ही है। सवाई इनकी उपाधि थी जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इनको दी थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एक दो बार कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। उनके उसने जयपुर सहित 5 नगरी मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन, चार तीयों के साथ में जयपुर में क्या किया था, वेदशालाओं का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही दो अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने करवाए थे। उसने जयगढ़ नामक दुर्ग बनवाया, कुछ मंदिर भी बनवाए। उसके दरबार में शास्त्री शिवानंद, रत्नाकर भट्ट आदि विद्वान रहते थे। वो आराम से ही औरंगजेब की सेवा में रहा। वो 1700 में अपने पिता विशन सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये पूछता है कहाँ पर अवस्थित नहीं है, तो मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर। ठीक, यहां पर वेदशालाएं बनवाई गई थी इनके द्वारा। किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपने पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की?
एमएस अब्दाली, सूरजमल, निजामुल मुल्क या महादजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 15। किसने किया था सहायता? सत्य पांडे, डी बता नीता कुमारी, ए सस्क्लेर, मानस डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तर है आपका डी, महादजी सिंधिया ने जो है ये कार्य किया था। व्याख्या देखिए, आइए। पेशवा माधव राव के समय में मराठा नेता महादजी सिंधिया ने 1771-72 में मुगल सम्राट शाह आलम को, किसको, शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लाकर पुनः दिल्ली तख्त पर बिठाया। किसने? पेशवा माधव राव के समय में महादजी सिंधिया ने। मुगल सम्राट ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पहले वह अंग्रेजों की कैद में इलाहाबाद में रहा था। कोई बात नहीं था। अगला सवाल है, किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्त करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? शिवाजी टू, साहू, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 16। मानस कह रहे हैं डी। ओके, सत्य पांडे डी। क्वेश्चन नीता कुमारी डी, सस क्लियर डी। ठीक है, आंसर है आपका डी, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्त करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसको? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 में इनको साहू ने पेशवा नियुक्त किया। बालाजी की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि है। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने साहू को महाराष्ट्र तथा साहू द्वारा विजित प्रदेशों का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, इसके बदले साहू ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक की सहायता देने तथा मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए देने का स्वीकार किया। रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, ध्यान दीजिएगा। 1719 से बालाजी विश्वनाथ मराठों की सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां बादशाह फर्रुख सियर को हटाने का सैयद बंधुओं की मदद ली गई और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्षता देखा गया। इस संधि को रफीउद्दुर्रज्जात ने स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, हाँ शिवम डी ठीक होगा। निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? सआदत खान, सफदरजंग, सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला। अवध के शासक थे और मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था किसे? क्वेश्चन नंबर 17। मानस सी बता रहा 17 का। सत्य पांडे ए, शिवम त्रिपाठी भी सादत खान कह रहे हो। ओके, चलिए आइए देखते हैं, व्याख्या देखिए पहले। अच्छा, अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादत खान की मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग नवाब बना। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद का प्रांत दे दिया। इस प्रकार वह मुगल सम्राट का प्रथम वजीर बना, उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाए। आंसर क्या है इसका? सफदर जंग, ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या हुआ इसका? सफदर जंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर, सही कर लीजिएगा, कई बार आए हुए एग्जाम सवाल है।
भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? आसान सवाल, कोई नहीं, एग्जाम में सही होना मेरा मतलब है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का सी माइनस कर रहा है। शिवम त्रिपाठी, मोहम्मद शाह, रंगीला, सत्य पांडे। 18 सी, नीता सी, शिवम सी। अरे शिवम दो दो आंसर दे रहे हो, पहले ऊपर लिख रहे हो मोहम्मद शाह रंगीला, फिर नीचे 18 बी सी, कैसे कंफ्यूज, इतना सारा कंफ्यूजन। देखिए आंसर है इसका बी, मोहम्मद शाह, ध्यान दीजिएगा ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण समय कौन मुगल सम्राट था? मोहम्मद शाह। आई व्याख्या देखिए, परवर्ती मुगल शासकों में मोहम्मद शाह रंगीला के समय फारस के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह का पराजित भी हुआ, ठीक है। सही था उत्तर बी ही सही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर या जहांदार शाह? सबसे कम समय तक शासनकाल किसका रहा, यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, का बी बता रहे हैं आप लोग, नीता कुमारी बी, ओके, शिवम बी, सस्क्लेयर बी, ओके। मानस बी। अभी देखिए पिछले वाले व्याख्या में आया था ये, देखिए व्याख्या चल पहले आप लोग। प्रश्नगत दिए गए मुगल बादशाहों में जहांदार शाह का शासनकाल न्यूनतम रहा था, जिसने 1712 में शासन किया था। इसने इसका शासनकाल मात्र 10 महीने का था। बहादुर शाह 1707 से 1712 तक, फर्रुखसियर 1713 से 19 तक, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक रहा। जहादर शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, जिसने अपने भाइयों अजीम उस शान, रफी उस शान तथा जहान शान की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था, ठीक है। यह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले व्यक्तियों के रूप में प्रसिद्ध था। इसके ऊपर इसकी प्रेमिका लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। तो आंसर क्या हुआ आपका, जहांदार सा, ठीक है। सबसे कम शासन जो किया 10 महीने का, वो जहांदार सा का था, डी। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? भारमल, जय सिंह, जसवंत सिंह या राम सिंह? क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी का बी मानस बता रहे हैं, सत्य पांडे बी। हाँ शिवम बिल्कुल ठीक है, मानस, जय सिंह, शिवम त्रिपाठी, बीस का बी बिल्कुल ठीक है। ये आंसर सभी का आंसर है आपका जय सिंह, ठीक है। मिर्जा राजा की पदवी जो थी इनको प्रदान की गई थी। आई व्याख्या देखते हैं, आमेर के जय सिंह को मुगल सम्राट जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। उसने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उसने मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। यहाँ पर यह भी देख लीजिएगा, इनको मिर्जा राजा की और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। किसने? जहांदार शाह ने। गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया इनको मारवाड़ का, किसको? जयसिंह को। तीन चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार बनता है, जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी के साथ मारवाड़ का सूबेदार, अजीत सिंह को महाराजा की पदवी के साथ गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांदार शाह जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसके कुछ शर्तों पर मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी दिया था। यह भी सवाल बनता है कि किसने जो है मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था, तो वो भी किसने दिया था? जहांदार शाह ने, ठीक है।
के पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया? ईरानी, तुरानी, राजपूत या अफगान? अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। फर्रुख सियर के पदच्युत के पश्चात किस दरबारी गुट ने सैयद ब्रदर्स जो थे किंग मेकर्स के नाम से, उनकी शक्तियों को किसने समाप्त किया, किस गुट ने? क्वेश्चन नंबर 21। कमानस भी बता रहा है। और कोई क्वेश्चन नंबर 21? नीता कुमारी 21B, सस्क्लेर 21B, शिवम बी, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या है? सत्य पांडे डी नहीं, बी होगा, तुरानी गुट। ठीक है, तुरानी गुट ने सईद बंदों की शक्तियों को क्या क्या समाप्त किया था, ये व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मध्य एशिया के तुरानी गुट ने निजामुल मुल्क ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया। ये भाई अब्दुल्ला खान बारा और हुसैन अली थे जो इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर इसका जहादार सा। ठीक है, स्किप कर देते हैं इसको। इस पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, बी हो गया, जहां दरअसल रिपीट हो गया था। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? हाँ, सी उत्तर होगा, सही है आप लोग का। 23 का बताएं, अवध का सूबेदार, मीर बख्शी साम्राज्य का वजीर या सूबा बिहार का दीवान? किस पद पर सफदरजंग की नियुक्ति की गई थी अहमद शाह द्वारा 1748 में? अच्छा, मानस सी बता रहे हैं, नीता सी, सस्क्लेयर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। शिवम ए, देखिए इनको बनाया गया था साम्राज्य का वजीर। ठीक है, सी उत्तर सही होगा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 में मुगल शासक बना। उसने अवध के नवाब सफदरजंग को दिल्ली साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया। इसी के बाद उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर के नाम से पुकारे जाने लगे। ठीक है, क्या बनाया था? दिल्ली साम्राज्य का वजीर। 1719 में फर्रुखसियर के अंत के बाद सैयद भाइयों की शक्ति को किसने नष्ट किया? तो रिपीट हो गया है, आंसर इसका तुरानी अमीर। अरे वो तो पहले ही था, मतलब वजीर नहीं था ये, अवध का नवाब था ना, उसको वजीर भी बना दिया गया था। ठीक है, हाँ ये तो रिपीट हो गया, इसलिए इसको कर देते हैं स्किप। चलिए ओके, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या सिंध? बताएं, किस एरिया को मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले जीता था? 25 का बी बता रहे हैं महाराज, शिवम भी बता रहे हैं पंजाब। ओके, और कोई क्वेश्चन नंबर 25। मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था भाई? तो आंसर है आपका नीता 25 का बी बता रही है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर, आंसर है आपका पंजाब। ध्यान दीजिएगा, किसको जीता था सबसे पहले? पंजाब को। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम 50,000 सैनिकों के साथ 1248 में पंजाब पर उसने आक्रमण किया। यद्यपि उसका यह प्रथम आक्रमण असफल रहा, पुनः उसने 1749 में पंजाब पर आक्रमण कर सूबेदार मोइनु मुल्क को पराजित किया है। इसने 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। मुगल सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध तथा पंजाब प्रदेश का किया था दे दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर 7 बार आक्रमण किया था। उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मराठों के विरुद्ध था, जो पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है सवाल, किसको युग का मोती कहा जाता है या दुर्रे दुरानी किसकी उपाधि थी? तो अहमद शाह अब्दाली की। ये भी सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक, इसके बारे में नादिर शाह ने कहा था कि अब्दुल्ला जैसा
सॉरी, चरित्र का व्यक्ति पूरे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। अब्दाली अंतिम बार भारत पर सिखों के रुस 1767 में आक्रमण किया था इसने, अंतिम बार, ठीक है। हाँ शिवा, बहादुर शाह को कैद किया गया था और उसका स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया था, अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया था, भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था, क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26। माना शिवम कह रहा 26 का ए। सुष्कलेर एच मानस ए सत्य पांडे ए। क्वेश्चन नंबर मीता ए, तो बिल्कुल ठीक है आंसर। क्या किया गया था? इनको कैद किया गया था और इनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। आई व्याख्या देख लीजिए एक बार इनकी। 1857 के क्रांति का नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया तथा निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही कैदी के रूप में 1862 में क्या उसकी मृत्यु हो गई। रंगून में उसकी समाधि भी अवस्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतिम मुगल बादशाह के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसको देख लीजिए एक बार भाई, क्रम लगाना है। देखिए पेट के पेपर में भी एक ऐसा सवाल आया था ना, क्रम लगाने वाला, तो आ जाता है कभी कभी। मेरे सर के पीछे आलम दित्य लिखा हुआ, उसके बाद बहादुर शाह दित्य लिखा हुआ, ठीक है। पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करें। मानस बी कह रहे हैं, शिवम बी, ओके। नीता बी, सत्य पांडे डी। देखिए आंसर है आपका बी, आलमगीर दित्य, शाह आलम दित्य, अकबर दित्य और फिर बहादुर शाह दित्य, ये क्रम सही है, ठीक है। तो इन्हीं चीज को व्याख्यात किया गया है यहां पर। तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्ष 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। औरंगजेब के बाद क्रमशः बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफीउद्दुर्रज्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर दित्य, शाह आलम दित्य, अकबर दित्य और बहादुर शाह दित्य, जिसे जफर के नाम से जानते हैं, दिल्ली पर गद्दी बैठे। यद्यपि इनमें अपने पूर्वजों के समान न तो गुण थे और न ही इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशेष प्रयास किया, परिणाम स्वरूप 1857 के बाद इनका साम्राज्य समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने इनका स्थान ले लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां पर उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। इनका क्रम देखना बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्रम में। 1739 में करनाल में नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन था? मोहम्मद शाह, इब्राहिम शाह, आफ्ताब खान या सलामत खान, बताएं। क्वेश्चन नंबर 28। मानस कर 28 का सी। और कोई क्वेश्चन नंबर 28? नीता कुमारी सी, शिवम त्रिपाठी, शशक्लेर सी। करनाल में नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन था? सब लोग सी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर। देखते हैं व्याख्या। 24 फरवरी 1739 को हरियाणा के करनाल के युद्ध में नादिर शाह के तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित किया। इस युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं मोहम्मद शाह था, जबकि मीर बख्शी खाने दौरान था जो युद्ध में मारा गया। उसके मरने के बाद निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाया गया। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? मोहम्मद शाह खुद ही कमांडर था ये, ठीक है।
ध्यान देना, गलती नहीं करना। मानस जी आप सबसे पहले उत्तर दे देते हो। सत्रह सौ सत्रह में फरुखसियर ने किस व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया, किसे? डचों को, पुर्तगीज को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को? क्वेश्चन नंबर 29 बताए, क्वेश्चन नंबर 29 मानस सी बता रहे हैं। आसान सवाल है तो सत्य पांडे सी, ओके, मानस इंग्लिश क्लियर सी, बिल्कुल ठीक है। तो फरुखसियर ने किसे व्यापारिक विशेष अधिकार प्रदान किए थे भाई? अंग्रेजों को, ठीक है। 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक प्रतिनिधिमंडल मुगल सम्राट फरुखसियर के दरबार में भेजा, किसके? इसने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था जिसने सम्राट को एक दर्दनाक बीमारी से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। इनका नाम देख लेना भाई, पूछ लेता हैमिल्टन, ठीक। इसके प्रसन्न होकर फरुखसियर ने 1717 में अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने तथा कलकत्ता के निकट 38 गांव को खरीदने और बंगाल के शाही मुद्रणालय का प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी। नमस्कार पीके जी, ठीक है, ये सारी सुविधा तो कब, किसके 1715 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जॉन सरमन की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से एक प्रतिनिधिमंडल जो है मुगल सम्राट फरुखसियर के दरबार भेजाएगी। इसमें डॉक्टर का नाम जरूर देख लेना भाई आप लोग। 38 गांव की दी थी, साथ साथ बंगाल में शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी। नादिर शाह का आक्रमण किस समय मुगल का किसके काल में हुआ था? रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। तीस का ए बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल आंसर है आपका 30 का ए, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो रिपीट करके इसको व्याख्या हम नहीं करते। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? आसान सवाल, आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शासक 31 का डी मानस कर रहे हैं, सत्य पांडे डी। आसान सवाल है, खैर ये एक बार आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर दें सेशन को, लाइक एक बार जरूर कर दीजिए क्लास को प्लीज सभी लोग। और डेली 5 PM पर ये सेशन आता है, ठीक है, आधुनिक भारत की शुरुआत की है, दूसरी क्लास थी आज ये, तो आप लोग डेली 5 PM पर ये सेशन कर लिया करें ताकि आधुनिक भारत का रिविजन जो है आप लोग का लास्ट मोमेंट पर एक बार हो जाए जरूर से। 10 से 12 सवाल हर साल PCS में यहाँ से आते हैं आधुनिक भारत से। धन्यवाद नीता, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर एक बार हो सके तो शेयर भी कर दें सेशन को। 8 PM पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग की आती है ऐप पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जो जफर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 57 तक क्या था शासन इसने किया? 1857 के विद्रोह के बाद से बंदी बना लिया गया, लेकिन कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा के पत्र के साथ समाप्त हो गया। ये देख लेना इस डेट को भाई, पूछ सकता है ना कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य किस तिथि को समाप्त हुआ, तो 1 नवंबर 1858 को समाप्त हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया, जहां पर 1862 में क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। फरुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापारियों ने, या दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में? क्वेश्चन नंबर 32, किससे लाभ, किसको लाभ हुआ? पीके सिंह सी बता रहा है, मानस सी, शिवम त्रिपाठी 32 का सी, ओके, नीता कुमारी सी, पीके सिंह सी, सत्य पांडे सी, मानस सी, 31 का सी बता रहे हैं। देखिए अनअकैडमी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना और रेफरल कोड मेरा PS10 आप लोग जरूर प्रयोग करिएगा, 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है 32 का भाई?
32 का आंसर है सी, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत किसको मिली थी, इन्हीं को मिली थी ना। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ देने के लिए शाही फरमान जारी किया जिसके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में छूट दी गई। इतिहासकार ओर्स ने इसे कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा। इस फरमान द्वारा छूट दी गई थी कि अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बस सकते हैं। कंपनी बंगाल में 3,000 रुपए के बदले निःशुल्क व्यापार कर सकती है। कंपनी को कलकत्ता के आसपास भूमि किराए पर लेने का अधिकार भी मिल गया। कंपनी को मद्रास में उसी किराए पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई जो वह दे रही थी। कंपनी को हैदराबाद में भी व्यापार का अधिकार मिल गया। कंपनी को 10,000 रुपए में सूरत में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कंपनी द्वारा बंबई टकसाल में ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य की मान्यता भी मिल गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार इस फरमान द्वारा कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने में काफी आसानी हुई, तो काफी सुविधाएं जो है इस फरमान के द्वारा, फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा जो है कंपनी को प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, फर्रुखसियर या बहादुर शाह द्वितीय। सवाल आसान है, दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है बस। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ गलत तो था ही, गलत तो बहुत कुछ था, सेम क्या कर सकते हैं, इतिहास में जाके बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 33, तो नीता सी, पीके सिंह सी, सस्त सी, शिवम सी, मानस सी, बिल्कुल ठीक है आंसर, क्या होगा, फर्रुखसियर, ठीक है। तो 1717 में जॉन सरमन, इनका नाम भी देख लेना भाई, जॉन सरमन की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से एक प्रतिनिधि मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार भेजा। इसने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था जिसने इनको एक बहुत दर्दनाक बीमारी, इसी से खुश हो गए थे ये, कोई इनका सही नहीं कर पा रहा था, इलाज नहीं कर पा रहा था, इनको इसने इलाज कर दिया, बस उसी में प्रसन्न होकर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक, 38 गांव, बाकी दुनिया भर की चीजें दे डाली, अपने तो ठीक हो गए बाकी सब काम खराब हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, अयोग्य उत्तराधिकारी, मुगलों की उदार धार्मिक नीति, उत्तराधिकारी का संघर्ष या मुगल दरबार में गुटबंदी, क्या सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है मानस, बी बता रहे हैं, ओके सत्य बी, आसान है, अंडरस्टूड टाइप का सवाल है, मानस सी बी बता रहे, सत्य पांडे, पीके सिंह बी, नेहा बी, शश कुमार बी, तो क्या सत्य नहीं है, कोई बात नहीं मानस, आंसर है मुगलों की उदार धार्मिक नीति, ऐसी कोई नीति इनकी नहीं थी, ठीक है, बाकी सब सही है। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष हुआ, गुटबंदी वहां होती ही थी, तो औरंगजेब के समय से ही मुगल साम्राज्य का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज सेनापति 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य के पतन में कई कारणों को उत्तरदायी माना जाता है जिसमें अयोग्य उत्तराधिकार, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, मुगल दरबार में गुटबंदी आदि प्रमुख थे, यद्यपि इसमें मुगलों को उदार नीति पतन की कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर को कौन भारत से बाहर ले गया, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तिमूर या तैमूर, डलहौजी, बताएं, आसान सवाल है ये भी, देखिए शुरू की व्याख्या वाला सवाल है, मानस 35 का ए, पीके सिंह ए, सस ए, मानस नादिर शाह, तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर क्या है, नादिर शाह, हाँ नेहा 35 का, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने सम्राट को करनाल के युद्ध में पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और वापस लड़ते थे उस समय सम्राट ने उसे मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा दोनों दे दिया और लेके चले गए भाई साहब। औरंगजेब का तत्कालीन उत्तराधिकारी था बहादुर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या जहादार शाह, बताएं। क्वेश्चन नंबर 36, डेली सेशन ये 5 बजे मिलता है आप लोगों को, आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी शुरुआत कल से की गई, आज दूसरा दिन है 5 PM पर।
क्रमबद्ध तरीके से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे इस क्लास में हम लोग, तो मिस मत किया करिए आप लोग इस सेशन को। और इसके साथ साथ करंट अफेयर अगर आप लोग को करना है तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 8 PM पर ऐप वाली क्लास कर लेनी है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को जुड़ना हो, रेफरल कोड मेरा PS10 यूज कर सकते हैं। किसी भी क्लास को अनलॉक करना है तो भी मेरे इस कोड का प्रयोग करके अनलॉक कर सकते हैं। ए बता रहे हैं आप लोग उत्तर एग्जैक्टली 36 का, बिल्कुल ठीक है आंसर। क्या है? बहादुर शाह, ध्यान दीजिएगा। तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे उनका? बहादुर शाह। तो औरंगजेब एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने वसीयत द्वारा अपने पुत्र मुअज्जम आजम और कामबख्श के बीच राज्य का बंटवारा किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने पुत्रों में क्या हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। बड़े पुत्र मुअज्जम ने आजम को जजायु के युद्ध में पराजित किया। देखिए ये पूछा जाता है जजायु का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। जजायु का युद्ध हुआ 1707 में, आजम और मुअज्जम के मध्य हुआ था, ठीक है। और इसके उपरांत वह बहादुर शाह के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था, बहादुर शाह के नाम से, क्लियर। हाँ, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल पूछा था कौन पहला मुगल बादशाह था जिसने वसीयत के माध्यम से अपने पुत्रों के मध्य राज्य का बंटवारा किया था, तो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। मिर्जा राजा पदवी किसे प्रदान की गई थी? आसान हो गया सवाल, रिपीट भी हो गया, तेजी से बता दीजिए आगे बढ़ जाएंगे। आंसर है इसका, मैं ही बता देता हूँ, जयसिंह, ठीक है। मिर्जा राजा की पदवी किसको मिली थी? जयसिंह को। हाँ मानस, रिपीट हो गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम शासक माने जाते हैं। इन्हें उत्तरकालीन मुगल शासक जहादार शाह ने जो है ये उपाधि प्रदान की थी, ठीक। पानीपत के तीसरे युद्ध से अहमद शाह अब्दाली को सबसे अधिक क्या लाभ मिला? दिल्ली पर अधिकार, अपार धन दौलत, पंजाब पर अधिकार, या भारत में साम्राज्य विस्तार का अवसर? हाँ, अश्वमेघ यज्ञ, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 38, सी मानस सी, त्रिपांडे सी, शिवम सी। तो बिल्कुल ठीक है, पीके सिंह सी, नीता सी, ठीक है। आंसर है आपका पंजाब पर अधिकार। पानीपत के तीसरे युद्ध से क्या हुआ था? पंजाब पर इसने अधिकार कर लिया था। यद्यपि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की विजय के पश्चात भारत में रुका, किंतु फिर भी उत्तरी भारत में पंजाब, मुल्तान और दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया, और इसके बाद मराठों ने पंजाब को वापस लेने तथा सीमांत प्रदेश की रक्षा करने के कोई प्रयत्न नहीं किया। यह बात ध्यान देने योग्य कि 1751 से लेकर 60 तक पंजाब, मुल्तान और दिल्ली के प्रदेशों का भाग्य डावाडोल ही था, अर्थात कभी भी ये क्षेत्र मराठों के हाथ में चले जाते तो कभी मुसलमानों के संक्षेप में कह सकते हैं कि पानीपत की हार के कारण मराठों का संपूर्ण देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का मधुर स्वप्न जो हो गया था नष्ट। अब्दाली ने पेशवा से संधि करने की इच्छा की थी और वह फरवरी 1763 में पूरी भी हो गई, किंतु उसने 1761 के निर्णय में तनिक भी अंतर नहीं आया और न ही उत्तरी भारत और दिल्ली पर पठान शासन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो सका। इस युद्ध के पीछे मुख्य कारणों में मराठों द्वारा पंजाब पर बार बार आक्रमण करना भी शामिल था, जिसने अब्दाली को कठिनाई होती थी। इसके बाद पंजाब में शांति व्यवस्था कायम हो गई, तो सबसे विशुद्ध जो लाभ हुआ वो पंजाब पर इनका अधिकार हो गया। मुगलों के लिए कौन एक समस्या थे? दुर्गादास, बंदा, अहमद शाह अब्दाली या सभी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 39, डी माइनस कर रहे हैं। सत्य पांडे डी, पीके सिंह डी, ओके। शिवम 39 का सी, सस क्लियर डी, ओके। देखिए आंसर है इसका डी, सभी। ये सभी के सभी जो तक के मुगलों के लिए समस्या कारण बने हुए थे। देखिए व्याख्या, दुर्गादास राठौर औरंगजेब के काल में थे, उन्होंने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को अपना समर्थन दिया तथा औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की तथा मुगलों के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया।
अहमद साहब दाली एक अफगानी था जिसे भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। इसने पांचवा आक्रमण पानीपत के तृतीय युद्ध में परिवर्तित हुआ। यह आक्रमण मुगल सम्राट अहमद शाह आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के काल में हुए। इस प्रकार उपरोक्त ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल को, और इसमें यहाँ पे पीडीएफ नोट्स और क्लासेस के लिंक उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को सेशन में जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डेली 8 PM पर ये सेशन आप लोगों को उपलब्ध होता है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सेशन सारे सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।